तो हेलो वेलकम टू स्टार्ट सुजीत। तो भाई कल से कल से सिर्फ एक ही चीज चल रहा है और वो है श्वेता मीम्स। मतलब बैंसो दिमाग का भौंसरा हो रखा है पर पता नहीं चल रहा कि ये है क्या चीज। और मैं इंस्टाग्राम पे मीम तो देख रहा हूँ पर समझ झाट नहीं आ रहा है कि है क्या। तो इसी तरह से मैं गया यूट्यूब पे जहाँ मुझे पता चला कि श्वेता मीम्स ऑनलाइन क्लास से लीक हुई एक वीडियो है जिसमें श्वेता नाम की लड़की भांग भौंसरे की कहानी सुनाती है और कतई मीमर्स इसी के ऊपर बहुत सारे मीम्स बना रहे हैं। हाँ वो पता लगे कि इसकी आवाज बहुत सही है और बहुत सारे लोग इसकी आवाज सुन के पिघल सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो। तो आज इसी लड़की के ऊपर हम देंगे अपना ऑनेस्ट रिएक्शन और कुछ पॉइंट पे करेंगे इसको रोस्ट। तो चलो शुरू करते हैं अपनी मजदूरी बिना किसी बकचोदी के। इसने ना मेरे को कॉल करी, इसने मेरे को करी कॉल। तो इसने ना मतलब ऐसी नॉर्मल बात चल रही थी, फिर एकदम से उसने उसकी बात छेड़ी। कहते है कि देख, इसने मुझे लिखी हुई, मैं पोजेसिव हूँ। देखो भाई अगर तुमको नहीं पता तो मैं तुमको बता दूं कि ये दीदी मतलब श्वेता दीदी अपने किसी दोस्त के बारे में बात करी और मुझे झांट नहीं पता कि वो दोस्त कौन है और तुम मुझसे पूछना भी मत। पर ये दीदी जिसके बारे में भी बात कर रही है वो भी इस वीडियो को देख के कह रहा होगा कि मैं मादरचोद हूं जो इससे कॉल पे बात किया। जो भी है मां कसम इनकी आवाज बहुत ही प्यारी है और कतई इनके मुंह से कहानी सुनने में मजा भी आ रहा है। मैं पोजेसिव हूँ और कभी कभी मैं बहुत ज्यादा पोजेसिव हो जाता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को लेके। मतलब वो मेरे को बोल रहा था एक तरह से, मतलब जिस तरह से बात करते कर रहे थे। तो मतलब ये था। देखो दीदी वो जो भी था जो आपसे ऐसे बोल रहा था इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको पटा रहा है। हाँ वो बात लगे कि वो आपको अपने दिल की हालत बता रहा हो पर आप क्या कर रही है उस बेचारे के लौंडे लगा रही है वो भी ऑनलाइन क्लासेस में। और पॉइंट की बात ये है कि मैडम को झांट नहीं पता कि उनका माइक कौन है और ये वीडियो वायरल भी होने वाली है। मेरी वीडियो नहीं भाई, ये इनकी वीडियो। मेरी किस्मत कहाँ वायरल होने की। पर जो भी है मैडम को नहीं पता है कि उनका माइक ऑन है पर हमें क्या, हमें तो कहानी सुनना है, कंटेंट लेना है भाई। तो चलो इनकी कहानी सुनते हैं और कंटेंट लेते हैं। पता भी नहीं, मतलब ये था कि उसको पता थी, वो जब भी उसके साथ था ये था कि मतलब वो बंदी के पीछे में इतना पागल था कि मतलब ये था कि वो सेक्स एडिक्टेड थी लड़की। ओहो ऐसी भी लड़कियां होती है क्या, मतलब कहाँ मिलती हैं ऐसी लड़कियां भाई वो भी सेक्स एडिक्टेड। चला मैं तो इनको अपना गर्लफ्रेंड बना के रखूं और ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि लड़कियां भी सेक्स एडिक्टेड होती हैं। वरना मैं तो हिलाने के एडिक्टेड हूँ भाई। अब तुम्हारा मुझे नहीं पता पर तुम मुझे कमेंट में बताओ कि तुम किस चीज के एडिक्टेड हो, हिलाने की या फिर। तो कह रहा था कि मतलब अरे भोसडी वाले हो, सुनने तो दो कि वो क्या बोल रही है। अभी तुमको बहुत चिंता हो रही है श्वेता के बारे में, साला तुम में से ही किसी ने उसकी वीडियो को वायरल किया है ये मत भूलो। देखो भाई इसे कहते हैं जो भरोसे वाले होते हैं वही भोसडी वाले होते हैं और तुम लोग भी इस चीज को देखो और सीखो। मतलब वो जैसे कहते हैं ना अट्रैक्शन जी, बिल्कुल फीलिंग वाले हो, तो समझ रही है तुम, मतलब कैसे बताओ मैं तेरे को। तो ये था कि उसने भी मतलब कर लिया, मतलब लड़के ने भी कर लिया, ठीक है तब हो गया था। देखो भाई अब तुम इतने भोले तो हो नहीं कि मुझे तुमको बताना पड़ेगा क्या हो गया था इनके बीच। अब तुम समझदार हो, खुद ही समझ जाओ। पर ये दीदी जिसकी भी कहानी सुना रही है माँ कसम उसकी कहानी सुन के हमें बहुत आनंद आ रहा है और हम सुनेंगे भी। श्वेता मैम कैरी ऑन। मतलब उसने मुझे ऐसी आदत डाल दी थी करने की ये सब कि मतलब हर मीटिंग पे वो करती थी, हर मीटिंग पे, मतलब जब भी मिलते थे जब भी करते थे, जब भी मिलते हैं तब करते हैं। अबे भाई तब वो प्यार की भूख नहीं होगी बल्कि हुदाई की भूख होगी, क्योंकि प्यार के भूख में करने का भूख नहीं होता बल्कि हुदाई के भूख में हुदाई करने का भूख होता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। और कोई मुझे बताओ कि ये क्या होता है जब भी मिलते हैं तब करते हैं। बहनचोद जनरेटर हो क्या, चला कतई उस लड़की ने इस लड़के को निचोड़ लिया होगा वो भी नींबू की तरह और बहनचोद इस लड़के ने अपने आप को निचोड़वा भी लिया। छे तुझे पता है कोई लड़का बहन राज्य का कोई लड़का ना अपनी इतनी सीक्रेट्स इतनी सारी चीजें तक नहीं बताता, उसने मेरे को एक एक चीजें बताई। हाँ मैडम को उस लड़के ने एक एक चीज बताई है कि उसके गांड पे तिल है कि नहीं, लंड छोटा है या बड़ा है, या फिर उस लड़के ने कितनी बार हुदाई किया है, ये सब इस मैडम को उस लड़के ने बताया है। और मैडम उस लड़के की बात को अपने दोस्त के साथ लीक कर रही है। मतलब मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि उस लड़के ने इस दीदी पे विश्वास किया और अपने पूरे राज गांड का तिल हुदाई की पूरी कहानी इस मैडम को बताया और मैडम ने उस लड़के की माही चोद दी। इसे ही कहते हैं जो भरोसे वाले होते वही भोंसड़ी वाले होते हैं। अद्भुत बहन चोद। एक चीज बताइए जो पता क्या कहता कि मैंने ना अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताई, उसने मुझे ऐसी ऐसी चीजें बताई। फिकर मत करो, अब 111 लोगों को पता लग गई। मार चोट दी है भैया जी आप तो। नहीं नहीं अब तक तो पूरी इंडिया को पता लग गया होगा और कुछ दिन और रुक जाओ पूरी दुनिया को पता लग जाएगा। पर जो भी है जब श्वेता के घरवाले ये वीडियो देखेंगे ना तब उसके घरवाले भी इसको कहेंगे बताओ इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊँ। अननोन पर्सन को या एक दो महीने की रिलेशनशिप में आने में कौन बता देता है ये सब चीजें, तो खुद बताइए भाई। माइक ऑफ कर ले। उसने उसने मुझे एक एक डिटेल बताई, उसने मतलब
वो बंदा पंडित है। बस खत्म भाई साहब, क्या था ये? मतलब बैंसो दीदी को कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है उनके साथ। उनका माई कौन है और वो अपने एक दोस्त की हुदाई कहानी सुना रही है और 111 भोंसड़ी वाले लोग सुन रहे हैं, मजा ले रहे हैं। बैंसो दीदी को झांट खबर नहीं इसके बारे में। बैंसो मजे की बात यह है कि उनमें से किसी एक बंदे ने उनके वीडियो को वायरल भी कर दिया। अब जो सिर्फ श्वेता दीदी को पता था पूरी दुनिया को पता है। और हाँ, वो बात अलग है कि अब श्वेता दीदी के लौड़े लगेंगे, उनके घर वाले उनकी अच्छे से पिलाई करेंगे। और जो भी है, मुझे और तुम्हें ये कहानी सुनकर बहुत ही मजा आया और हम तहे दिल से श्वेता दीदी का धन्यवाद करते हैं। तो श्वेता दीदी, रेस्ट इन पीस। हाँ तो आज की मजदूरी खत्म करते हैं और ये वीडियो सिर्फ एक मजाक थी, तो मजाक की तरह लेना। हाँ, मुझे पता है कि वीडियो छोटी है क्योंकि फेस कैम की तैयारी हो रही है। सो अगर तुमको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट में मुझे बताओ वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा था। और एक कमेंट जरूर करना, तभी तो तुम्हारे भाई की वीडियो चलेगी। बाकी मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो की मजदूरी में। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बाय। नो, चल मालिक ने बुलाया है, बर्तन मांजना है।